ऐसा कहा जाता है कि जब मन शांत ना हो और कुछ भी ठीक ना लगे तो हमें कहीं बाहर निकल जाना चाहिए। बट नो वन टेल्स यू द प्लेस, आई रिक्वेस्ट यू टू कम बनारस। आपको अपनी लाइफ से प्यार हो जाएगा। तो एक मिनट, मैं तो आगे निकल रहा हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना, चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से, स्लो मोशन में, फास्ट मोशन में। सो स्टार्ट नाउ। सो गाइस, एडिटिंग करते करते मेरा हो गया दिमाग खराब। मैं सोचा यार चलो चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। तो मैं निकल गया घर से बाहर, फ्रेंड को पकड़ा और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। वहाँ जाने के बाद मैं कुछ नोटिस किया। क्या नोटिस किया कि यार मेरे को जाना कहाँ पे है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं जाऊँगा कहाँ। तो वहाँ पे जाने के बाद यार कम से कम आधे घंटे मैं वहीं पे बैठा रहा और सोचने लगा कि यार मेरे को कहाँ पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे मेरे को एक बोर्ड दिखाई दी, वो क्या था, मेन्यू बोर्ड। खाने वाला मेन्यू नहीं, जाने वाला मेनू, सफ़र करने वाला, ट्रेवल करने वाला मेनू, ठीक है। तो स्क्रीन पे मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिले और उसमें से मैं एक जगह सिलेक्ट किया, वो था बनारस। तो मैं निकल गया इसी के साथ बनारस। भैया मैं इतना ज़्यादा ट्रेवल करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ बनारस सिटी। तो अभी मैं जाने वाला हूँ बनारस की गलियों में। या सबसे पहले हम उधर जाएंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो चलो चलते हैं यार, लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है यार कि यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, पर फिर भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप बना के दिखा पाए। क्या ही करें, भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही है, इसमें मुझे फिर अगर मिला तो नसीब तुम्हारा। वाह, ये बनारस है ना जी, कि वो तुमसे फिर अगर मिला तो नसीब तुम्हारा और ना मिल पाया तो उसका नसीब। यहाँ चारों ओर लव, डिवोशंस, हैप्पीनेस और म्यूजिक घुला हुआ होता है।
यहाँ पे मुझे बहुत से लोग मिले लेकिन सबसे अनजान था, पर कुछ पलों के लिए इन संगीतों ने सबको जोड़ रखा था। ऐसे समझाए तो है तो भाई स्टोरी बताते बताते बाहर हो गई बारिश स्टार्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से बनारस को बॉलीवुड अंदाज में एंजॉय करेंगे। ओके, तो एंजॉय करते हैं। चिंगारिया ये जो मेरे देखे हवा बन जाऊं मैं अगन बनारस जाने के बाद गंगा आरती का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो क्या ही लिया यार। तो चलो चलते हैं, गंगा आरती का एक्सपीरियंस लेते हैं और वहाँ पे कुछ सुकून ढूंढते हैं, थोड़ी आनंद लेते हैं। वैसे तो सब अनजान है लेकिन वहाँ पे जो आरती है ना वो सबको बांध के रखती है। 4 से 5 लोग आरती करते हैं और हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं। तो चलो चलते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो नहरों में तूने बहाए। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। गुरु एक तो ये बनारस, ऊपर से हम बनारसी, आंख में मेरे पानी पर दिल में मेरे आग सी। हर कर्म क्रिया के खातिर बेटा दूर दूर ही जावेगा तू, हर कर्म क्रिया के खातिर बेटा दूर दूर ही जावेगा तू, अंत समय जब आएगा तो मणिकंका पे आ। वैसे तो मैं बनारस गया था एंजॉय करने मस्ती करने, लेकिन वहां जाने के बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीख के आया हूँ और वो ये है कि जीवन और मृत्यु दोनों हमारे जीवन का नियम है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि कब और कैसे हमारी मृत्यु होगी। ये याद रखना चाहिए कि हम सभी अपने मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन हम अपने जीवन को एक अच्छे इंसान के रूप में जी सकते हैं। हमें अपने जीवन को सभी तरह से जीना चाहिए ताकि हम अपने मृत्यु के समय कोई पश्चाताप ना हो। तो ये थी मेरी बनारस की स्टोरी। आई होप गाइस इस वीडियो में आप लोग को मजा जरूर आया होगा। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।